कितना बढ़िया लुक है और कितनी टेस्टी मिठाई दिख रही है कि देख के ही मुंह में पानी आ गया। ऐसे ही सुपर टेस्टी बढ़िया लुक वाली रोज बर्फी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है गीत की रसोई में। आज गीत की रसोई में बन रहा है कुछ मीठा सा, प्यारा सा, टेस्टी सी चीज जो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और बनाना बहुत ही आसान है और सिंपल से सामान के साथ बनती है। तो आप भी सोच रहे होंगे वो क्या है, तो चलिए सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं और रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ रोज बर्फी, जिसे बनाने सबसे पहले हम लेंगे 3/4 कप यानी आधा कप और 1/4 कप चीनी। इसे मिक्सर जार में डाल देंगे, आधा कप और ये 1/4 यानी 3/4 कप चीनी। इसमें हम डाल लेंगे 2 इलायची, साथ ही इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूखे गुलाब की पंखुड़ियां। इसे डाल के हम फाइन सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम फाइन सा पाउडर बन गया है। मिक्सर जार में ही हम ऐड कर देंगे अपने पनीर को, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब बिल्कुल इसी चीनी के पाउडर के साथ ऐड कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप दूध। दूध रूम टेम्परेचर पे है और इसको पल्स मोड पे अच्छे से चला करके फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है। इसमें हम 1/2 कप मिल्क पाउडर और ऐड करेंगे। 1/2 कप मिल्क पाउडर और डाल देंगे। एक साथ इसलिए नहीं डालते कि गांठ बना देता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डाला है, पहले और बाद में। इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। गैस पर एक पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे, पैन गरम होने देंगे। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी गरम हो गई है फ्रेंड्स। अब हमारा जो फाइन सा पेस्ट तैयार था उसे हम ट्रांसफर कर लेंगे और आंच को मीडियम टू स्लो करते हुए चलाएंगे। धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये कैसा है, सूखना शुरू हो चुका है और इसे पूरा सूखने तक चलाएंगे ताकि सारा कुछ कलेक्ट होकर के एक जगह इकट्ठा हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलेक्ट होने लगा है और अगर धीमी आंच पे छोड़े तो देखिए इसमें हल्का सा गोल्डननेस आने लगी है। अब इसको हम 2 मिनट और चलाएंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड किए हुए बादाम लगभग 1 टेबल स्पून, पिस्ता 1 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल ये ड्राई सा होने लगा है, इसमें वाटर कंटेंट जो था वो खत्म हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, पैन में घी सेपरेट होने लगा है। अब हम इसे बंद कर देंगे और देखिए पलटने पे हल्का हल्का गोल्डन कलर भी आना शुरू हो चुका है। इसे तुरंत ही बंद कर दें, नहीं तो ये जल जाएगा। कोई भी थाली या ट्रे, अगर आपके पास ऐसी मिठाई की ट्रे नहीं है तो कोई भी स्टील की थाली, ट्रे, कोई भी बर्तन, प्लेट जिसकी डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा हो उसमें घी से ग्रीस कर देंगे। हम अपने मिठाई के मिक्सचर को ट्रे में डाल के सेट कर देंगे और इसे तुरंत ही रिमूव कर देना, नहीं तो ये नीचे से लगने लगता है। इसको मैंने 1/2 ट्रे में सेट किया हुआ है। ऊपर से गार्निश करेंगे चॉप्ड बादाम, चॉप्ड पिस्ता और ड्राई रोज पेटल से। ये गुलाब की पंखुड़ियां आपको आसानी से मार्केट में भी मिल जाती हैं और नहीं तो गुलाब के फूल लेके आप उसे धुल करके छाए में रख के सुखा लें, घर में बिल्कुल बढ़िया रेडी हो जाती हैं ये। इसे हम सिल्वर लीफ से डेकोरेट करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं। इसे 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ देंगे और सेट होने देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स
और ये ठंडी होके खूब अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पीसेस कट के कितनी खूबसूरत लग रही है, और तैयार है हमारी टेस्टी प्यारी सी मीठी सी डिश यानी रोज बर्फी। और मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी मॉइस्चर है और कितनी सॉफ्ट है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सॉफ्ट और दानेदार है, और खाने में भी बहुत अच्छी है, और गुलाब और इलायची की खुशबू पूरे गूंज रही है। लग रहा है ना टेस्टी टेस्टी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।